अलकुम जी उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे खुशखवाश होंगे और जो है ना अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी वो ये थी कि अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक के ऊपर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जो मेन जो दो ग्रुप्स हैं उनके अंदर मैंने एक पोस्ट की जिसके अंदर मैंने अपनी स्टूडेंट जो थी वो डिस्क्राइब की कि मैं किस तरह सीट लेकिन आया था और इस तरह से अगर कोई और स्टूडेंट आ रहे हैं और उनको हेल्प चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट कर दी मुझसे जितना हो सकता मैं उनकी हेल्प करूँगा और ये बस पोस्ट करने की देर थी मेरा जो मैसेंजर तो मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ ना यूज़ ही नहीं मतलब किया ही नहीं है तो फिर क्या मैं उसको मुझे पता हो कि क्या किस तरह से यूज़ करना है खैर तो मेरा वो स्पैम का जो फोल्डर था ना वो फुल हुआ पड़ा मुझे समझ नहीं आ रही उसको मैं करूँ क्या लेकिन मैक्सिमम जितना हो सकता था मैंने सभी को जो है ना वो डील किया लेकिन मैंने उस मैसेज के अंदर ये बोला था मैं मैसेज का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पे कि भाई ये मेरी स्टोरी है मैं यहाँ पे मेरिट बेस स्कॉलरशिप पे आया था आप में से अगर कोई मेरिट बेस स्कॉलरशिप पे आ रहा है जिसको ऑलरेडी मिल चुकी हुई है और उसको इन फ्यूचर जो डॉक्यूमेंटेशन या वीज़ा प्रोसेस करना उसके अंदर उसको हेल्प चाहिए तो आई एम हियर फॉर यू लेकिन उन्होंने जितने भी मुझे मैसेज आए उसके अंदर से सिर्फ एक बंदा जो था जिसको वो स्कॉलरशिप मिली हुई थी मेरिट uh, बेस और बाकी सारे जो थे उनको बेसिक से इंफॉर्मेशन चाहिए ठीक है यानी उन्होंने अभी तक किसी इटली की यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया हुआ उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं किया हुआ उनको बेसिक से इन्फॉर्म चाहिए जो उनका उनको ऐसा बंदा चाहिए जो उनका हाथ पकड़ के जनाब उनको साथ साथ लेके चले तो मेरे भाई दुनिया में ऐसा बंदा मिलना बड़ा मुश्किल काम है ठीक है तो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है बेसिक से आप कैसे उसको स्टार्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स कैसे आपने रेडी करने है ये कैसे करना है वो कैसे करना है ईच एंड एवरी मैंने एक्सप्लेन की हुई है खैर उसके अंदर मैसेज के अंदर मैंने एक चीज़ और लिखी कि जो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वो रीजनल स्कॉलरशिप को कंसीडर ना करें जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों का एतराज था और उन्होंने जो है ना कमेंट्स के अंदर वो पूछा हुआ था कि ये क्या चीज़ है और क्यों वो कंसीडर ना करें इसका क्या मसला है अब देखें ना बात है क्या है पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग रीजनल स्कॉलरशिप को ए, एक स्कॉलरशिप कंसिडर करते हैं हालांकि ये एक स्कॉलरशिप है लेकिन ये यहाँ आने के बाद आपको मिलती है ठीक है पाकिस्तान के अंदर बैठ ही आप अपने सारे खर्चे जो है ना इसे पूरे करने चाहो कि मैं इससे सारे अपने खर्चे पूरे कर लूँगा और वहाँ से निकल आऊंगा तो ये थोड़ा सा एक वो दूर अंदेशी इतनी दूर अंदेशी जो है ना वो ठीक नहीं है मेरे मुताबिक और दूसरा मसला ये है कि ये दूसरी रीज़न भी है पहली रीजन मैंने आपको बताई थी बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो के अंदर कि आपके इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स आपकी, आपकी फर्स्ट रीज़न है आपका वीज़ा रिजेक्शन की दूसरी बड़ी रीज़न जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मोस्टली वीज़ाज़ जो है ना वो रिजेक्ट होते हैं वो यही है Uh, कि आपने रीजन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होता है और आपको पता भी नहीं होता कि कब आपने एम्बेसी को बता दिया कि आपने रीजन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और अगर उनको पता चलता है तो वो आपका सीधा सीधा वीज़ा रिजेक्ट करते हैं उसकी दो वजूहत हैं एक तो ये कि आप जब वीज़ा अप्लाई कर रहे हो बैंक स्टेटमेंट आपने अच्छी खासी उनको दे दी दिखाया कि जी हाँ मेरे अकाउंट में तीस पैंतीस लाख रुपया पड़ा हुआ है मेरी एनुअल इनकम अच्छी खासी है मेरे स्पॉन्सर की और ये हमारा जो है ना फैमिली बैकग्राउंड थी उनको अपने वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए जो मैंने बैंक स्टेटमेंट वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था अगर नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आई बटन में ऊपर मैं दे दूंगा वो, वो आप देख लेना अच्छा तो उसके साथ ही ना वो जब रीजनल स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया है तो रीजनल स्कॉलरशिप के लिए आपकी एनुअल इनकम जो है ना वो कम होनी चाहिए ठीक है ना और पाकिस्तानी जो होते हैं इन्होंने नॉर्मली हज़ार यूरो पंद्रह सौ यूरो इनकम सर्टिफिकेट में लिखवाए होते हैं अब होता क्या है कि एक ही साल के अंदर वो वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न जो दी हैं उसके अंदर अच्छी खासी इनकम शो हुई है और उसी साल की टैक्स रिटर्न वो रिवाइज दोबारा से करवा के लो इनकम के साथ वो भी शो करवा रहे हैं तो वीज़ा ऑफिसर कहता है कि यार ये क्या मसला है और वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है और इसके अलावा इसी सीन के अंदर भी एक और एक आ, एक और चीज़ भी होती है वो ये कि जब स्टूडेंट अब चूंकि एफ आर जो इनकम सर्टिफिकेट होता है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट और एफ आर ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं रीजनल स्कॉलरशिप के लिए जो चाहिए होते हैं तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपको मुफा से अटेस्ट भी होने चाहिए और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो वीज़ा के लिए आपने सबमिट करवाने वो भी अटेस्ट होने चाहिए अब स्टूडेंट्स करते क्या है वो कहते हैं कि यार हमने एक ही दफ़ा लाहौर जाना है या इस्लामाबाद या जहाँ से भी उन्होंने मुफा से करवाने हैं तो हम एक ही दफ़ा सारे डॉक्यूमेंट्स करवा लेते हैं और जब वो जाते हैं मुफा से अटेस्ट करवाने तो क्यू आर कोड सब सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सेम लग जाता है अब जब सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्यू कोड सेम लगा है तो अगर उन्होंने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया है तो उसके अंदर तो इनकम सर्टिफिकेट भी आएगा आप इनकम सर्टिफिकेट के अंदर आपकी एनुअल इनकम पंद्रह सौ यूरो लिखी हुई है या बारह सौ या हजार यूरो लिखी हुई है और जब आपने वीजा के लिए अप्लाई किया उसके अंदर आपकी एनुअल इनकम जो है ना वो लाखों में हो सकता है अक्सर तो स्टूडेंट कहते हैं जनाब मेरी तीन करोड़ की बैंक स्टेटमेंट थी और मेरा फिर भी वीजा रिजेक्ट हो गया तो वो होगा क्यों नहीं होगा आपका ठीक है तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट करते हैं और फिर कहते हैं जनाब में की करा और वो और एक बड़ी वजह लोग कहते हैं कि इटली की वीज़ा रिजेक्शन है ये है वो मसला हम मसले हर जगह होते हैं हर इन्वर्सिटी के अंदर होते हैं ठीक है लेकिन जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है वो ये है कि जिसका रिजेक्ट हो जाता है वो जो है ना वो वाह वेला मचाता है वो बंदा और उसको ठीक है उसको एक तरह से डिप्रेस है वो बंदा और उसने इतना खर्चा किया था और उसका नहीं हुआ ठीक है और किसी ना किसी गलती की वजह से उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया लेकिन जिनको वीज़ा मिलता है ना उसकी वो बड़ी कम स्टोरीज वो देखने में आती हैं क्योंकि मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो होते हैं जैसे वीज़ा मिलता है उनका होता है कि यार किसी तरह मैं टिकट करवाऊँ और निकलूँ यहाँ से और वो जब यहाँ आता है यहाँ अपने कामों के अंदर मसरूफ हो जाता है यहाँ पर भी लाइफ जो है ना वो काफ़ी तेज़ है तो तो ये इस वजह से उनकी स्टोरीज जो हैं वो सुनने में कम आती हैं लेकिन फिर भी जितने लोगों का मुझे पता है मोस्टली इटली की वीज़ा रिजेक्शन रिजेक्शन है लेकिन ये कि एक्सेप्टेंस रेशो भी अच्छी है मास्टर्स की और पी की तो बिल्कुल नहीं है मास्टर्स की आपको एक्सेप्टेंस रेट अराउंड जो है एटी परसेंट मिल जाएगा गलती कोई ना आप करो आपके डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरी सारा कुछ ठीक हो आपको वीज़ा मिलता है ठीक है आप ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं ठीक है ना आपने मुफत से दोनों डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे तो इसलिए मैंने उस वीडियो उस पोस्ट के अंदर बोला था कि आप इसके ऊपर फोकस ही ना करो रीजनल स्कॉलरशिप तो आपको यहाँ आने के बाद तब मिलेगी ना जब आपको वीज़ा मिल चुका होगा ठीक है ना तो वीज़ा मिलने से पहले ही आप उसके डॉक्यूमेंट रेडी करवा रहे हो उसके लिए अप्लाई कर रहे हो ईच एंड एवरीथिंग कर रहे हो ठीक है ना हाँ आपको एडमिशन मिल गया है आपको कंफर्म है आपको वीज़ा भी मिल जाएगा ठीक है और फिर आप रीजन स्कॉलरशिप के लिए भी, भी अप्लाई करो सब कुछ करो तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है तो ऐसा मैं तो नहीं आपको मशवरा दूंगा कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो है ना वो वीज़ा का जो वीज़ा डिसीजन है उसके अंदर कोई उसके ऊपर कोई इफेक्ट आए तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए हाँ आपको मिल गया है इन दिनों में आपको मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेप्टेंस डेट एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है प्री इनमेंट करें प्री इनरोमेंट के बाद अपना वीज़ा प्रोसेस करें जून जुलाई तक आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा ठीक है ना और जून जुलाई अगस्त तक आपको रीजनल स्कॉलरशिप मिल जो है ना ओपन होती हैं और अगर आपको वीज़ा मिला है दैन आप अप्लाई करें अब स्टूडेंट पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं उन्होंने जितने को एक्सेप्टेंस मिली होती है सभी रीजनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं रीजनल स्कॉलरशिप उनको मिलनी ही मिलनी है ठीक है ना रीजनल बॉडी क्या ये राइट टू एजुकेशन बॉडी है इनका काम ये है कि वो स्टूडेंट जो हमारे पास हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं उनको हमने हेल्प करना है एजुकेशन उनको हमने फंड्स प्रोवाइड करने हैं और वो करते हैं ठीक है ना अब उनके वो फंड्स और वो सीट्स ज़ाया तब जाती हैं जब पाकिस्तानी स्टूडेंट जो होते हैं उनको वीज़ा ही नहीं मिलता और वो यहाँ पर आते ही नहीं है तो ये एक तरह का उनके ऊपर उन हालांकि वो, वो एक प्रॉपर उनका बजट होता है जितने लोग अप्लाई करते हैं उनका उन्होंने बजट रेडी करना होता है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चलना होता है तो ये ये भी एक चीज़ है जिसकी वजह से जो है यहाँ की रीजनल बॉडीज़ वो इफ़ेक्ट हो रही हैं हमारी इन हरकतों की वजह से तो और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँ वो ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेरा फेरी करते हैं जो कि यहाँ के लोग नहीं करते पाकिस्तानी ज़्यादातर अमूमन करते हैं और वो एम्बेसी से फिर आप हॉस्टल भी करवा लेते हैं डॉक्यूमेंट सारा कुछ करवा लेते हैं लेकिन जब उनको क्रॉस चेक करती है यहाँ के रीजनल बॉडी कुछ रीजनल बॉडीज कर रही हैं इटली के अंदर क्रॉस चेक कि आपके इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं ये कैसा है वो कैसा है ठीक है ना और उन्होंने फिर जो है ना प्रॉपर बैन करना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स को ठीक है और मोस्टली uh, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो इससे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं uh, मार्शे रीजन के अंदर और इधर उधर ठीक है तो ये ये छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से हालांकि एक छोटी सी चीज़ है लेकिन दो नंबरी आप करते हो तो उसकी वजह से फिर आप इफेक्ट भी होते हो और ना सिर्फ आप इफेक्ट होते हो आपकी पूरी फिर कम्यूनिटी इफेक्ट होती है फिर बाकायदा उन्होंने लेटर लिखा पाकिस्तानी एम्बेसी को और पाकिस्तानी कौनसलेट जो था मिलान के अंदर दोनों को उन्होंने आगाह किया कि ये स्टूडेंट हैं इनके आपने पोस्टल करके दिए हैं ये वेरीफाई करके दिए हैं डॉक्यूमेंट्स लेकिन इनका तो ये चीज़ नहीं है जो इन्होंने मेंशन की हुई है इनकी एनुअल इनकम ये ऐसी नहीं है वैसी और ये स्टोरी क्योंकि आपको पता होगा तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो नहीं करनी चाहिए हाँ आपको कंफर्मेशन है आपको वीज़ा जिस तरह मेरिट बेस स्कॉलरशिप के अंदर आपको कंफर्म होता है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा आपको सिर्फ बेसिक बेसिक जो उनके ब्राए नाम जो है चीज़ें वो करनी है और आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए आपको वीज़ा मिल जाएगा फेलोशिप के अंदर आपके पास होता है फिर आपकी जो है प्रोफाइल अच्छी है तो उसके अंदर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं तो तो फिर आप रीजन स्कॉलरशिप की तरफ जाएँ भी या यहाँ आने के बाद आप उसका जो है ना वो कर सकते हैं ठीक है बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछें मैं जितना हो सका या जब भी हो सका मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना जवाब देने की कोशिश करूँगा इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जहाँ चाहें रीच कर सकते हैं थैंक यू सो मच स्टे ब्लेस्ड अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद